नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। इस वक्त मैं आपके साथ ज्ञानु कुमार दीक्षित, सबसे बड़ी खबर के साथ। बाराबंकी जिले में हो रही गोकशी को रोकने के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से 15 दिन का समय प्रशासन को दिया गया अगर 15 दिनों में सुधार नहीं होता तो हिंदू युवा वाहिनी भारत व्यापक के रूप में आंदोलन करेगी। यशस्वी साहब ने आश्वासन देते हुए कहा कि जिस भी थाने में गोकशी के अवशेष पाए जाएंगे उससे संबंधित हलके के सिपाही और एसआई पर कार्रवाई होगी। जिले के जिला प्रभारी रवि कुमार सिंह जी एवं भीमसेन जी निंदूरा ब्लॉक के हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक उपाध्यक्ष उमेश कुमार एवं उपाध्यक्ष दीपक सिंह जी आदि लोग मौजूद रहे। सुरन चौहान की रिपोर्ट, बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक जी से हम बात यही बैठेंगे, हम जाएंगे कहीं। पुलिस प्रशासन, हम यही बैठेंगे, हम यही बात करो। बंद करो, 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 बंद करो। पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, 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 पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, 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 पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वास दिया है कि गौकशी मुक्त बाराबंकी जनपद बनाएंगे और उन्होंने एक थानों में गौकशी सेल के लिए एक एक दरोगा तैनात करने की भी बात कही। उमेर, देखिए, हम लोगों ने उनको 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में रिजल्ट, अगर वो जो चार्ट उन्होंने चस्पा करने के लिए कहा है कि पूरी तरह से हम तय करेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन कौन स्लॉटिंग करने वाले लोग हैं, उनको अगर ये लेकर चस्पा कर लेते हैं, उनके यहाँ पर इनकी पहरेदारी और निगरानी बढ़ जाती है, तब हम मानेंगे। इसलिए हमने उनको 15 दिन का समय दिया है। अगर ये कार्रवाई 15 दिन में नहीं पूरी की गई उसके बाद व्यापक प्रदर्शन के लिए हम लोग मजबूर। क्या लगता है आपको जो सरकार